black hatchback car. Black hatchback car. किसकी हो सकती है ब्लैक हैचबैक कार? लीड छोटी सी है पर मजबूत है। सर एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज से सारी ब्लैक हैचबैक कार्स अलग करना शुरू करते हैं। हैचबैक से नहीं, सारे सेडन को भी आइसोलेट करते हैं। क्या पता आशीष ने गलत आइडेंटिफाई किया हो। अब तलाश शुरू हुई उस ब्लैक कलर की हैचबैक कार के लिए जिसमें एमिली को ले जाया गया था और आशीष पिंटो ने देखा था। हमारे जोन के बाकी के सब डिविजन्स वाशी, एरोली, नेरुल और खारगर सबके सीसीटीवी फुटेजेस मुझे चाहिए। ब्लैक कलर की गाड़ी हमारे नजर से चूकनी नहीं चाहिए। गाड़ी ट्रैक हुई तो एमिली भी ट्रैक हो। नानी एमिली दीदी कब आएगी? पता नहीं बेटा। किसके साथ गई होगी एमिली? पता नहीं। लौट आएगी ना? ऑफ कोर्स लौट आएगी। तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। मुझे एमिली की जरूरत है। कहाँ गई मेरी बच्ची? जॉन, तुम्हें क्या लगता है कौन है ये आदमी जिसके पास ब्लैक कार है? मैंने भी काफी सोचा उस बारे में पर मुझे तो याद नहीं है कोई ब्लैक कार। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी फैमिली का कोई जान पहचान का है। एमिली उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी और दोनों के बीच बहुत नॉर्मल बातें हो रही थी। क्या पता कौन है ये आदमी, बस एमिली ठीक ठाक हो और जल्द से जल्द मिल जाए। सर एक कार मिली है, ब्लैक हैचबैक। इस कार को एक आदमी ड्राइव कर रहा है और उसके पास में एक बच्ची बैठी है स्कूल यूनिफॉर्म में। ये देखिए। मुझे भी एक कार मिली है, वाशी स्टेशन का एरिया है, कैमरा 4 फ्लाई ओवर वाला। और ये एरोली नाका है, कैमरा नंबर 2। दोनों एरियाज के दूसरे एंगल वाले कैमरास चेक करते हैं। सर हमें गाड़ी का नंबर मिल सकता है? राइट। आरटीओ से उन दोनों गाड़ियों के मालिकों की डिटेल्स निकलवा तुरंत। MH P3 4583 राकेश सिंह निरुल का रहने वाला है। दूसरा नंबर है MH Y 2 3706 पूजा गिलानी थाने की रहने वाली है। राकेश सिंह, पूजा गिलानी? नो सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। जी हाँ, ये मेरी कार है, इस वक्त पार्किंग में। और कार में ये जो बच्ची है ये कौन है? ये मेरी बेटी आंचल है। 15 जुलाई की रात को आप कहाँ जा रहे? 16 जुलाई को मेरी बेटी आंचल का बर्थडे था, इसलिए 15 जुलाई को मैंने उसे स्कूल से पिकअप किया, उसे शॉपिंग के लिए ले गया, उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए। अब बताएंगे व्हाट्स द मैटर? जी हाँ, ये हमारी कार है, मेरे हस्बैंड अमित ड्राइव कर रहे हैं, ये मैं हूँ और पीछे हमारी बेटी प्राची है। कहाँ जा रहे थे आप लोग?
जी हम लोग मूवी देखने जा रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे। क्या हमने कोई स्पीड लिमिट तोड़ी थी सर? हम सिर्फ बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या ये वाकई में आप ही की बेटी है प्राची? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मेरी बेटी प्राची है कि नहीं? जी हाँ, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं राकेश। कोई बात नहीं सर, मैंने एमिली गोम्स के बारे में पढ़ा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि फैमिली पर क्या बीत रही हो, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। थैंक यू मिसेस गिलानी। कोई बात नहीं, हमारे पास कई एरियाज के टेप्स हैं, ढेर सारा फुटेज है। तो ब्लैक कार हमारा सबसे बड़ा सुराग है, भले हजारों कार क्यों ना हमें देखनी पड़े। पुलिस के पास एक नहीं दो सुराग थे, एक जान पहचान का कोई शख्स और दूसरा ब्लैक हैचबैक कार जिसमें एमिली को ले जाया गया था। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद ना तो वो कार ट्रेस हुई, ना वो आदमी और ना ही एमिली। वक्त की सुई और भारी होती जा रही थी। बड़ा पेचीदा केस है मिस्टर गोम्स, बट बी अश्योर्ड हम आपकी बेटी को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये किडनैपिंग है तो अभी तक कोई रैंसम कॉल क्यों नहीं आया, और अगर मेरे किसी जान पहचान वाले ने ये किया है कोई दुश्मनी निकालने के लिए, तो वो दुश्मनी क्या है, किसके साथ है? मैं ये भी समझ नहीं पा रहा हूं। हम भी इस बात को लेकर सोच रहे हैं मिस्टर गोम्स की भला कोई एक बच्ची, एक 10 साल के मासूम बच्ची के थ्रू क्यों आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है, कोई ऐसा क्यों करेगा। मे भी बच्चे माँ बाप के लिए सबसे वल्नरेबल, इमोशनली सबसे वीक स्पॉट्स होते हैं, और मेरी एमिली तो बहुत सेंसिटिव है सर, बहुत सेंसिबल है, वेरी कोऑपरेटिव, किसी भी माँ बाप के लिए तोहफा है एमिली। आपका तोहफा हम आपको जरूर लौटाएंगे मिस्टर गोम्स, थोड़ा वक्त लगेगा शायद, लेकिन ब्रेक थ्रू दूर नहीं है। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्या है बेटा, हम सब लोग कभी ना कभी गलती करते हैं, हमें कुछ ब्लैक लगता है, पर हो सकता है वो ग्रीन रहा हो। एमिली गाड़ी में बैठी थी, वो आदमी भी गाड़ी में बैठा था। हाँ, लेकिन वो ब्लैक कलर की छोटी गाड़ी थी, है ना? सर, मैं साइकिल चला रहा था, मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा, मुझे क्या मालूम था कुछ गलत होने वाला है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सर, 15 जुलाई को एमिली गायब हुई, और 15 जुलाई से हमने हर उस कार को स्कैन किया जो हल्की सी भी ब्लैक हो, सेडान और हैचबैक दोनों टाइप की गाड़ी, पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। ये ब्लैक कलर हमारे सर का कांटा बनता जा रहा है, ड्रॉप करो। ये आशीष पिंटू बड़ा स्मार्ट बच्चा है, जब वो कह रहा है कि उस आदमी के साथ एमिली गाड़ी में चली गई थी, तो उसमें झूठ बोलने या गलतफहमी की गुंजाइश ऑलमोस्ट नील है। उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि वो सिर्फ उस ब्लैक कलर के बारे में श्योर नहीं है, शायद ब्लैक। अगर वो श्योर है तो सिर्फ इस बात के लिए कि एमिली उस गाड़ी में थी। तो मतलब अब हमें सिर्फ एमिली को ढूंढना चाहिए? करेक्ट, कार चाहे किसी भी कलर की हो, किसी भी टाइप की हो, हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एमिली होनी चाहिए। मार्टिन? हाँ मार्टिन। मुझे लगा आपको पता होगा सर। मार्टिन मेरा बड़ा भाई है, सगा भाई, हम काफी क्लोज हैं। और ओलिविया? ओलिविया मेरी वाइफ मेरी की बहन है, सगी। वो इतनी क्लोज नहीं है क्या? वो भी बहुत क्लोज है सर, जैसे मैं और मार्टिन। और जॉन फर्नांडिस? वो ओलिविया का हस्बैंड है। उसके साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं? नॉर्मल हैं सर, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब आपको मेरी ही फैमिली मिली है शक करने के लिए। इमीडिएट फैमिली है सर, एमिली उनकी बच्ची जैसी है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ज्यादातर किडनेपिंग केसेस में फैमिली के जान पहचान के लोग इन्वॉल्व होते हैं मिस्टर डेविड। एमिली को ढूंढने के लिए मैं हर मुमकिन पहलुओं को टटोलना चाहता हूँ। जब मैं आपके ऊपर शक कर सकता हूँ, तो आपके फैमिली के ऊपर बेशक शक कर सकता हूं। ऐसा सबके बारे में क्यों पूछ रहे थे? नो आइडिया। कुछ पता चला उनको?
ऐसा कुछ बताया तो नहीं, बस सिर्फ हमारे सारे रिश्तेदार और उनके रिश्तेदार सबके एड्रेसेस मांगे, उनके फोन नंबर्स मांगे। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हो? आप ये तो जरूर जानते होंगे कि आपकी डॉटर इन लॉ ओलिविया की बहन मैरी की बेटी एमिली गायब है। ऑफ कोर्स पता है, लेकिन आप लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? एमिली को? आप लोग पागल हो गए क्या? This is too much. मेरी बहन है, एमिली मेरी अपनी बेटी जैसी है, आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? हाँ बोला कराड़े। यहाँ नहीं है सर। लगता है यहाँ भी सेम स्टोरी है। सर, घर में कहीं नहीं है। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप किस हिसाब से मेरे घर की तलाशी ले रहे हैं? आपके हस्बैंड जॉन कहाँ है? वो इस वक्त घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। किसी शिपिंग कंपनी में काम करते हैं ना वो? हाँ सर, पर आप कंप्लीटली गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम फिलहाल इतना कह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बताएंगे कि हम यहाँ आए थे। हमें पता चलेगा अच्छा नहीं होगा। जॉन फर्नांडिस को कस्टडी में ले लिया गया। एमिली की मां मैरी की बहन ओलिविया का पति जॉन फर्नांडिस। पुलिस को एमिली के बारे में कुछ और जानकारी मिली थी और इस जानकारी ने एमिली के गायब होने में जॉन का हाथ होने की तरफ इशारा किया था। आप लोग पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? डेविड, डेविड, ये पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? जॉन को ले गए क्वेश्चनिंग के लिए। जॉन को क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है डेविड। घर पे आए, उन्होंने तलाशी ली, जॉन के पेरेंट्स के घर गए घाटकोपर में, वहां तलाशी ली। इसलिए उस दिन एड्रेसेस मांग रहे थे तुमसे? पागल हो गए हैं क्या ये लोग? हम लोगों पर शक करेंगे, इमीडिएट फैमिली पर? पता नहीं जॉन के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। एमिली कहां है जॉन? एक मिनट, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने? लगता नहीं, हमें मालूम है। बताओ एमिली कहां है? मुझे नहीं मालूम एमिली कहां है। 15 जुलाई की शाम को कहां थे तुम? मैं घर से बाहर था। 15 जुलाई को तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हाँ, तो मेरे फोन का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए बंद रखा था फोन। क्या हुआ था फोन को? फोन की बैटरी डेड थी मेरे। लेकिन एक मिनट, इसका एमिली के साथ क्या लेना देना है? एमिली कहां है जॉन? ऑफिसर, मेरी बेटी मिसिंग है और आपने मेरे ब्रदर इन लॉ जॉन को पकड़ लिया है, मतलब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है मिस्टर गोम्स कि आपकी बेटी एमिली जिस आदमी के साथ बात करते हुए उस गाड़ी में बैठी थी, वो आदमी था आपका साड़ू भाई जॉन फर्नांडिस। व्हाट नॉनसेंस, दैट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, जॉन एमिली के अंकल है, हमारी बेटी जैसी है वो। तुम अपने घर के बाहर नहीं, एमिली की सोसाइटी के बाहर खड़े थे, एमिली का वेट कर रहे थे। बकवास, अगर मुझे उससे मिलना ही होता तो मैं डेविड और मेरी के घर पे जाके उससे मिलता, सोसाइटी के बाहर क्यों मिलता? यही तो जानने के लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। क्यों सोसाइटी के बाहर क्यों? जब मैं वहां था ही नहीं तो क्यों का क्या मतलब है? सैंडविच में टमाटर पसंद नहीं करते तुम? डेविड की सोसाइटी याशिका कॉम्प्लेक्स के थोड़े ही दूर स्नैक्स कॉर्नर है, वहां पर तुमने बिना टमाटर का सैंडविच खाया। साहब ये लीजिए आपका मस्त वाला सैंडविच। बोला था ना टमाटर नहीं चाहिए। अरे साहब एकदम फ्रेश है, खा के देखिए ना आप। नहीं है पसंद, क्यों खाऊं? चले दूसरा बना के लेके आना, इसके बिना।
अरे हाँ साहब, ये तो यहाँ आया था, ये एक नंबर का त्रास था, खाली फोन में टमाटर को लेकर झिकझिक कर रहा था। समझ में नहीं आता क्या को? आप लोग एमिली को ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसीलिए मुझे बकरा बना रहे हैं, लेकिन मुझे ही क्यों, ये मैं नहीं जानता। तुम वहां मौजूद थे मिस्टर जॉन फर्नांडिस, बिना टमाटर के सैंडविच खाई और तुमने एमिली को रोक लिया उसके सोसाइटी के अंदर जाने से जस्ट पहले। बाय एमिली, बाय रोजी। एमिली। जॉन अंकल। झूठ, सरासर झूठ है। देखिए, आप लोगों ने खुद कहा था कि किडनैपर के पास ब्लैक कलर की गाड़ी थी और मेरे पास कोई ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं है। बात तो सही है, तुम्हारे पास कोई ब्लैक कलर की गाड़ी नहीं। वो जो छोटा बच्चा था आशीष, उसने कार के कलर को पहचानने में गलती की थी। कार ब्लू थी, जॉन की ब्लू हैचबैक। सीसीटीवी फुटेज में हमें भयंदर के रास्ते जाते हुए ये गाड़ी नजर आई। और मेरी बेटी एमिली, वो कहाँ है? यही जानने के लिए जॉन से पूछताछ चल रही। और अभी तक वो साफ मना किया जा रहा है, कहता है हम झूठ बोल रहे हैं, एमिली को उसने उठाया ही नहीं। आप लोगों के सब पैंतरे जानता हूं मैं। आपने उस ब्लैक कार पे ब्लू पेंट मार दिया होगा और मुझ पे क्रिमिनल होने का कलर लगा रहे हैं आप। एमिली कहाँ है? जितना जल्दी बोलोगे सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा ये होगा सर कि आप सही तरीके से एमिली को ढूंढे। मैं सुबह से लेकर शाम तक एमिली को ढूंढ रहा हूं, इतना परेशान रहा हूं मैं, और आप है कि मुझ पर ही ब्लेम डाल रहे हैं। हाँ, मैं नहीं मिला हूं उससे, कहीं नहीं लेके गया मैं उसे। एमिली कहाँ है जॉन? आप जितनी बार मुझे पूछोगे मेरा एक ही जवाब होगा, मुझे नहीं मालूम, आई डू नॉट नो। ओलिविया, जॉन कहाँ ले गया मेरे बच्चे को? ओलिविया, तुझे कुछ बताया? ओलिविया कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज बता, मेरी बच्चे को कहाँ ले गया जॉन? अरे काम डाउन यार जॉन, काम डाउन, आराम से बताओ ना हुआ क्या है। मैरी और तुम्हारे बच्चों को अभी के अभी वापस लेके जाओ, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद उन्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप करूँ। ओके ओके, मैं ऑफिस खत्म करने के बाद इमीडिएटली आ जाऊंगा, ठीक है? क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकते? ऑफिस में हूँ, मीटिंग्स हैं, काम है, मैंने कहा ना काम खत्म करने के बाद आऊंगा। हाँ ठीक है, राह देख रहा हूं। मैरी, तुम्हें याद है जॉर्डन जाने से पहले एक दिन तुम बच्चों को लेकर ओलिविया के घर गई थी? मुझे कुछ याद नहीं करना डेविड, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए। जिस दिन तुम ओलिविया के घर गई थी उसके अगले दिन जॉन का मुझे फोन आया था, बहुत गुस्से में था, तो मुझसे कह रहा था कि अभी ऑफिस से आओ और तुम्हें और बच्चों को लेकर घर जाओ। फिर मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने मुझसे कहा था कि सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तुम आराम से ऑफिस से आना। तुम्हें याद है? डू यू रिमेम्बर? पता नहीं डेविड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैरी, उस दिन तुम्हारा और जॉन का झगड़ा हुआ था। हेलो डेविड, एमिली जॉन के साथ चली गई थी लेकिन जॉन कबूल करने से इनकार कर रहा है। वो बता ही नहीं रहा है कि एमिली कहाँ है। मुझे लगता है वो किसी किस्म के डर के मारे शॉक में चला गया है। तुम आकर हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ, आप मुझे बताइए
क्या करना है मुझे? एमिली कहाँ है जॉन? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम एमिली। प्लीज जॉन, बस आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज बता दो कहाँ लेकर गए थे तुम उसे, कहाँ रखा है तुमने एमिली को? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है जॉन? हमारा प्लान था ना एमिली को ले जाने का, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं ले गए? कैसे भूल सकते हो इतनी जल्दी? तुम्हें याद नहीं है हमने एमिली को उसके ससुराल से पिकअप किया था, फिर हम कार की तरफ गए थे, उसके बाद तुम एमिली को आगे लेकर गए थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, प्लीज बताओ मुझे कहाँ है। क्या जॉन, प्लीज प्लीज, पुलिस को सब कुछ पता है हमारे प्लान के बारे में, उन्हें पता है कि हमने एमिली को किडनैप किया। मुझे नहीं पता तुम उसे कहाँ लेकर गए। देखो ओलिविया, तुम भी प्लान में शामिल थी, ये तो मुंह नहीं खुलेगा, लेकिन हम तुम्हारा मुंह खुलवाएंगे। बहुत तकलीफ होगी, तुम्हारा लड़का जिमी उसे भी बहुत तकलीफ होगी। तो ये नाटक बंद करो और चुपचाप बताओ एमिली कहाँ है। मैंने और जॉन ने एमिली को उसके सोसाइटी के बाहर से पिकअप किया, हम बहला फुसला के उसे कार तक लेकर गए, पर उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। जॉन अकेले लेकर गया था उसे, प्लीज जॉन। झूठ बोल रही है ये किसी प्लान में शामिल नहीं थी, तुम्हें पता है ना किसी प्लान में शामिल नहीं थी। तुम क्यों कर रही हो ये, पागल हो गई हो? नहीं थी यही, वहां सिर्फ मैं था, अकेला। एमिली को मैं लेके गया था, सिर्फ मैं। एमिली कहाँ है जॉन? हाय जॉन अंकल। हाय, हाउ आर यू? ओलिविया आंटी आई है क्या? जिमी भी आया है? नहीं, वो तो घर पे है, मेरे घर पे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। तो मम्मा, नानी, एंडी आपके घर पे है? इसीलिए तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अचानक प्लान बना, चलो। तो पता है डिनर में क्या है? रोस्ट चिकन। वाओ, चलो चलो जल्दी बैठो। तुम्हारी एमिली के साथ क्या क्या नाराजगी है जॉन? क्यों टॉर्चर कर रहे हो हम सबको? वो छोटी बच्ची है, बता दो कहाँ है वो प्लीज। जॉन, एमिली कहाँ है? वो वापस आ जाएगी। कहाँ से? वापस आ जाएगी। कहाँ से है, कहाँ है वो? जॉन, तुम्हें गॉड का वास्ता, बताओ एमिली कहाँ है? वापस आ जाएगी वो। डेविड और ओलिवर को बाहर ले जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूं, एमिली कहां है? मैंने उसे छोड़ दिया हाईवे पे। झूठ? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। मैंने हाईवे पे एमिली को गाड़ी में से उतार दिया, फिर मुझे नहीं मालूम वो कहां गई। अब हम सब प्रे करते हैं कि एमिली जल्द से जल्द लौट आए, कोई तो होगा जो उसे वापस घर ले आए। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मुझ पे? अगर अगले 3 दिन में एमिली वापस नहीं आई तो आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, जो कहेंगे वो। 15 जुलाई की शाम जब जॉन घर लौटा था तब वो काफी डिस्टर्ब था।
ओलिविया ने यह बात नोटिस की थी। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो घर में कोई चीज ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा था। जॉन, क्या ढूंढ रहे हो? क्या हुआ? मेरे ऑफिस की एक फाइल है, वो मिल नहीं रही है। मैं शायद ऑफिस में भूल गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस जाके वापस आता हूँ, ठीक है? उस दिन जिस तरह से वो फाइल ढूंढ रहा था, मुझे अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या ढूंढ रहा है वो। मेरे पूछने पर जब उसने कहा कि वो फाइल ढूंढ रहा है, तब तो मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा। ओलिविया, तुम किसी ऐसी जगह के बारे में जानती हो जहां तुम्हें लगता है उसने एमिली को छुपा दिया हो? नहीं डेविड, तुम्हें क्या लगता है? अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले जाके एमिली को वापस नहीं लाती। हेलो डेविड, हमने जॉन से कबूल करवा लिया है। कहाँ है मेरी बच्ची? डेविड, हमें कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि क्या क्या कहा उन्होंने? कहाँ है एमिली? डेविड बताओ ना, कहाँ रखा है उसने एमिली को? अनजान, अज्ञात का डर, अनदेखे अनसोचे का डर हमेशा हवा में मंडराता है। पर मेरी नन्ही सी जान, मेरी मासूम एमिली, उसे कैसे महसूस करती? वो कैसे पता कर पाती कि अनदेखा अजनबी खतरा दरअसल एक जान पहचान वाले से है, एक करीबी रिश्तेदार से है? के पास कोई तरीका ही नहीं था जॉन के इरादों को समझने का, जब हम सभी को भनक तक नहीं थी कि उसके अंदर गुस्से का इतना बड़ा वॉल्केनो भड़क उठा है। क्या किया तुमने एमिली के साथ जॉन? जॉन अंकल, क्या हम उसी रिसोर्ट में जा सकते हैं जहां हम दो वीक पहले गए थे? कोर्स बेटा, व्हाई नॉट? बहुत मजा तुम हमें बॉडी तक ले जाओगे जॉन? अब भी ले चलोगे जॉन?
ओलिविया। हाँ जॉन, क्या हुआ? मेरा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। जॉन क्या ढूंढ रहे हो, क्या हुआ? मेरे ऑफिस की एक फाइल है, वो मिल नहीं रही है। मैं शायद ऑफिस में भूल गया हूँ। मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाके वापस आता हूँ, ठीक है? मैं यहीं उतरा था एक नंबर करने के लिए, तब पेपर का एक पैकेट फेंका, शायद उसके साथ बैग भी फेंक दिया मैंने। तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ। मिल गया मिल गया मिल गया, निकले। मैं बाद में कॉल करती हूँ मम्मा, जॉन है शायद दरवाजे पे। मिल गई, बैग में थी फाइल, ऑफिस में भूल गया था मैं। क्या हुआ जॉन? एमिली मिसिंग है। मिसिंग मतलब? मतलब स्कूल से निकली पर घर नहीं पहुंची और किसी को कहीं मिल नहीं रही है। डेविड, हमने जॉन से कबूल करवा लिया है। कहाँ है मेरी बच्ची? डेविड, हमें कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि एमिली इज डेड, जॉन ने उसे मार डाला। हमें अभी अभी उसकी डेड बॉडी मिली है। यकीन ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हम सब जानते थे कि जॉन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन क्या वो हमसे इतना गुस्सा था? गुस्सा तो मुझसे था ना, मुझे मारते था। मेरी बच्ची को क्यों मारा उसने? क्यों डेविड? क्या हुआ? मेरी आंटी ने भेजा था। मेरे बच्चे को चलाकर क्या मिलेगा तुम्हें मेरी? क्या क्या बोल रही हो तुम? जिमी को अंदर किचन में गरम दूध पीने तुमने भेजा था, इतना गरम कि वो जल जाए। और नॉनसेंस, मैंने उसे कोई दूध वूध लेने के लिए नहीं भेजा था। तो अपनी मर्जी से गया था फिर? जॉन, मैं यहाँ सिर्फ अपनी दवाई खा रही थी, वो मुझे दवाई खाने नहीं दे रहा था।
इसलिए ऐसे ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बोला कि जाओ किचन में जाओ, वहां से वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। क्या दोगी? बॉइलिंग दूध? अगर जिमी पर दूध गिर जाता ना, हाथ मुंह जल जाते बेचारे के। इतने छोटे से लड़के के साथ कोई ऐसा बर्ताव कोई सोच भी कैसे सकता है? मैं करूं ऐसा? तुम्हारे एंडी और एमिली के साथ मैं ऐसा बर्ताव करूं? पागल हो गए हो तुम जॉन? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्यों फालतू का झगड़ा कर रहे हो मेरे साथ? तुम हमेशा मेरा मूड खराब करती हो, पता है क्यों? मेरे इस घर को बर्बाद करने पे तुली हो तुम। अब ये कौन सा नया एंगल है? हमेशा ओलिविया के कान भरती रहती हो, मेरी बुराई करती रहती हो, ताकि हमारे रिलेशनशिप के बीच दरार आए, वो गुस्सा करे मुझ पे, शक करे मुझ पे। तुम मेरे इस घर को बर्बाद कर रही हो। जॉन लिसन टू मी, तुम जानते हो ना तुम्हारा ये गुस्सा, ये तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हारा गुस्सा ये अब नॉर्मल है। प्लीज जॉन, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई ढंग का इलाज करो। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी फैमिली लाइफ बर्बाद कर देगा, अंडरस्टैंड दैट। अब तक तो मेरे पीठ पीछे ओलिविया को ज्ञान दे रही थी तुम, आज मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत हो रही है तुम्हारी? यू आर सो नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी भरी है ना तुम में, इसीलिए तुम बीमार हो गई। इतनी गंदी सोच है तुम्हारी, इतने गंदे ख्याल है, उन्हीं का ट्यूमर हो गया तुम्हें। और देखना, ये नेगेटिविटी तुम्हें ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेगी, मरोगी जल्दी। हाउ डेयर यू, मर तो तुम भी सकते हो। हाउ कैन यू से सच अ थिंग? तुम्हारे दिमाग में कोई कम नेगेटिविटी नहीं है जॉन। और ये तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा गुस्सा, ये शक करना हर टाइम। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम जल्दी मरो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं। देखते हैं कौन जल्दी मरता है, कौन जिंदगी भर रोता है, देखते हैं। जल्दी समझ जाओगे तुम। हस्बैंड और वाइफ के बीच आने का उसे कोई हक नहीं था। उस दिन मेरे जिमी के साथ उसने ऐसा किया, तब मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया कि मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। सबक? एक छोटी 10 साल की मासूम प्यारी बच्ची का कत्ल कर दिया, इसे मालूम तक नहीं था कि तुम्हारा क्या गुस्सा है उसकी मां के ऊपर। बेचारे हंसते मुस्कुराते तुम्हारे पास आई, भरोसा किया तुम पर, जैसा एक बच्ची अपने बाप पर करती है। वो अपने सगे भाई एंडी और तुम्हारे बेटे जिमी के साथ हंसती खेलती थी, उसको सबक सिखा दिया तुमने, ऐसे गला घोट कर। उस झगड़े के बाद मैंने जॉन से माफी भी मांगी थी, उसका गुस्सा में ठंडा हो गया था, उसने भी मुझसे सॉरी बोला। मुझे नहीं पता जॉन मुझे या मैरी को कौन सा सबक सिखाना चाहता था, बस जिंदगी के इस सबक ने हमें दर्द की काल कोठरी में धकेल दिया। एमिली का स्कूल आई कार्ड, उसकी वाटर बॉटल क्राइम सीन से बरामद हुए, जहां उसकी लाश को जॉन ने फेंक दिया था, लेकिन उसका स्कूल बैग पुलिस को नहीं मिला। क्राइम सीन से जॉन फर्नांडिस का ड्राइविंग लाइसेंस भी पाया गया। जॉन फर्नांडिस को आईपीसी की धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 302 के तहत कत्ल के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। डेविड, मैरी और एंडी एमिली को खोने के गम से जूझ रहे हैं, और ओलिविया भी शॉक और शोक दोनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस को एमिली की लाश मिली तो वो काफी गल चुकी थी, इसलिए पुलिस को लाश के सैंपल का डीएनए डेविड और मैरी के डीएनए सैंपल से मैच करना पड़ रहा है। ये प्रोसेस इस वक्त जारी है। साथ ही फोरेंसिक टीम को जॉन की कार में एमिली की स्कूल यूनिफॉर्म का एक बटन और बालों के कुछ स्ट्रैंड्स भी मिले, उन्हें भी फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। एमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मौसा उसका कत्ल करने जा रहे हैं। उसने जॉन पर भरोसा किया था, वो उसके साथ हंसते खेलते गई थी, एक बच्ची बनी किसी के बेहिसाब गुस्से का शिकार। झगड़ा किसी से हुआ, शिकवा किसी से था, और शिकार बनी एक मासूम बच्ची। क्या इस एबनॉर्मल गुस्से को कंट्रोल में लाया जा सकता था? क्या गिले शिकवे दूर किए जा सकते थे? क्या बड़ों की जुबानी लड़ाई में बच्चों और हिंसा दोनों को दूर रखा जा सकता था? किसी ने कहा था कि एंगर इज शॉर्ट मैडनेस,
गुस्सा एक तरीके का पागलपन है, एक बेलगाम बेनिशान तलवार है गुस्सा, और जब ये वार करता है तो सामने आए सभी को चीरता है। देखता नहीं है कि सामने वाला उसके गुस्से के प्रकोप का हकदार भी है या नहीं, और गुस्से का कोई प्रमाण नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई फोरकास्ट नहीं। ये अनजानेपन में लिपटा रहता है और कभी भी कहीं भी कैसे भी वार कर सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है और सब जानते हैं कि गुस्से की कमान से निकले हुए तीर मासूमों को तबाह करने के बाद हमेशा लौटते हैं और तीरंदाज का सीना भी छलनी करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।